हाय, मैं हूँ सैफ अली खान. हाय, मैं हूँ जैकलीन फर्नांडिस. हाय, मैं हूँ जॉन अब्राहम. हाय, मैं हूँ दीपिका पादुकोण. हाय, रिजान कपूर. हाय, मैं हूँ मीशा पटेल. टू वॉच एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑफ ब्रेक, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अबव दिस वीडियो. अबव द वीडियो. अबव दिस वीडियो. सो हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हो इस वक्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला चैनल. तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं अलादीन, एवेंजर्स एंड गेम, गॉडज़िला 2, गेम ओवर, भारत, कबीर सिंह और MIB इंटरनेशनल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में. तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं हर घंटे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो व्यूअर्स आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के. तो व्यूअर्स सबसे पहले बात कर लेते हैं अलादीन मूवी की. तो इसकी स्टार कास्ट में विल स्मिथ शामिल है. जबकि अगर बात कर लिया इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट 24 मई की है. जबकि फिर से अगर बात कर लिया इस मूवी के कलेक्शन की, तो इस मूवी का कलेक्शन लगभग इंडिया के अंदर 50 करोड़ का हो चुका है. फिर याद रहे कि ये मैं रिलीज से लेकर डेट 32 तक का कलेक्शन बता रहा हूँ अलादीन मूवी का. तो 50 करोड़ का इस मूवी ने इंडिया के अंदर कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड से इस मूवी को $850 मिलियन मिले हैं. जबकि फिर से अगर बात कर लिया इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 1,269 करोड़ का था. फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम एवेंजर्स एंड गेम की. एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज़ की बात कर ली जाए, तो ये मूवी अप्रैल 22 को रिलीज़ की गई थी. अगर इसके बाद हम बात कर लें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 2,452 करोड़ का था. जबकि फिर अगर बात कर ली जाए इस मूवी के कलेक्शन की, तो इस मूवी का डे 65 तक का अब तक का टोटल कलेक्शन लगभग 400 करोड़ का इंडिया के अंदर हो चुका है, जबकि $2.8 बिलियन इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड से निकाले हैं. व्यूअर्स अगर बात कर ली जाए गॉडज़िला 2 की, तो व्यूअर्स इसकी रिलीज़ लगभग 31 मई 2019 की थी. जबकि व्यूअर्स अगर बात कर ली जाए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 1,375 करोड़ का था. व्यूअर्स अगर इसके बाद हम बात कर लें इस मूवी के डे 26 के कलेक्शन की, तो इस मूवी का डे 26 का कलेक्शन रिलीज से लेकर डे 26 तक अब तक का टोटल कलेक्शन इंडिया के अंदर 30 करोड़ का हो चुका है. जबकि अगर बात कर लिया इस मूवी का वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की, तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन लगभग $355 मिलियन का हो चुका है. फिर अगर इसके बाद बात कर लेते हैं हम अगर गेम ओवर मूवी की, जो कि एक इंडियन मूवी है, तो इसकी स्टार कास्ट में शामिल थी तापसी पन्नू. जबकि फिर अगर बात कर लीजिए इस मूवी की रिलीज़ डेट की, तो इस मूवी की रिलीज़ डेट 14 जून की है. फिर अगर बात कर लीजिए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 22 करोड़ का था. व्यूअर्स अब नज़र डाल लेते हैं इस मूवी के कलेक्शन पर, तो रिलीज़ से लेकर डे 12 तक का इस मूवी का टोटल कलेक्शन इंडिया में 10 करोड़ का हो चुका है. जबकि अगर बात कर लीजिए इस मूवी के ओवरसीज़ के कलेक्शन की, तो 1 करोड़ इस मूवी को ओवरसीज़ से मिले हैं, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है. व्यूअर्स उसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी सलमान भाई की मूवी, जो कि ईद पर रिलीज़ की गई थी, यानी कि June 5 को रिलीज़ की गई थी. सबसे पहले अगर नज़र डालें इस मूवी की कास्ट पर, तो इस मूवी की कास्ट में सलमान खान, कैटरीना कैफ और दिशा पटनी शामिल थे. जबकि अगर व्यूअर्स हम बात कर लें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट 125 करोड़ का था. अगर नज़र डाल लें इस मूवी के कलेक्शन पर, तो डे रिलीज़ से लेकर डे 23 तक का इस मूवी का टोटल कलेक्शन इंडिया के अंदर 210 करोड़ का हो चुका है. जबकि व्यूअर्स अगर बात कर लिए ओवरसीज़ के कलेक्शन की, तो ओवरसीज़ से इस मूवी ने 110 करोड़ कमाए हैं. तो व्यूअर्स इसी के साथ इस मूवी का टोटल कलेक्शन लगभग 320 करोड़ का होता है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है. फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कबीर सिंह मूवी की. तो कबीर सिंह मूवी, जो कि इसी हफ्ते रिलीज़ की गई है, यानी कि इस स्टार कास्ट में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी शामिल है. जबकि फिर अगर बात करिए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ का था. फिर से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बात नज़र डालें इस मूवी के कलेक्शन पर, तो रिलीज से लेकर इस मूवी ने अब तक, यानी कि डे 5 तक टोटल कलेक्शन लगभग इंडिया के और वर्ल्ड वाइड समेत 75.25 करोड़ का कर चुकी है, जो कि यकीनन एक बहुत अच्छा कलेक्शन है. फिर देखना होगा आने वाले वक्तों में कितना कलेक्शन करती है. इसके बाद अगर बात कर लें मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल की, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है, तो फिर इसकी रिलीज़ डेट 14 जून की थी. जबकि अगर बात कर लिया इस मूवी के बजट की, तो इसका बजट लगभग 768 करोड़ का था. फिर अगर बात कर लिया इस मूवी के रिलीज़ से लेकर डेट 12 तक के कलेक्शन की, तो इस मूवी ने इंडिया से लगभग 20 करोड़ इकट्ठे किए हैं. जबकि अगर वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की बात कर लिए, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड से $200 मिलियन का कलेक्शन किया है. व्यूअर्स इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं. बस नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. कहानी खत्म. देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब.